दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक म्यूट है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर ही होंगे। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर किसी ने भी नहीं बनाया है। अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट बनाते हो तो आपकी वीडियो है वो वायरल होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और हो सकता है कि आपकी वीडियो ड्रीम गर्ल 666 ड्यूट भी कर सकती हैं। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASR की टैक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसके लिए जो आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करनी है, वो कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना है वो लेना है 9:16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है, और इस कलर बोर्ड का साइज आपको लगभग 7 इंच तक कर देना है। इसके बाद आपको उस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर एक बार इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके इसे स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना और इसे स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है, और जो की कलर है वो ग्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको जगह पर रख कर दबा देना और यहाँ से कलर एडजस्ट करना है। फिर आपको वीडियो प्ले करना है। तो हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, बस आपको यहाँ पर एक कट लगाना है और इस पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर वीडियो प्ले करनी है। तो हमारी वीडियो बन चुकी है, आपको एरो वाले निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना है, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।